हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई रियली होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे, सेफ होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी एक ब्लॉग नहीं आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी व्हाट्स इन माय जिम बैग। अगर आप लोग रेगुलर मेरे वीडियोस देखते हो तो आप लोग को पता ही होगा कि मेरा जो ऑफिस है एंड जो जिम है वो मेरे घर के एकदम पास ही है। मतलब जिम और मेरा घर का जो डिस्टेंस है वो ओनली 2 मिनट्स, ठीक है, बस ऐसे चल के जाओ और चल के आओ। तो इसीलिए मैं एक छोटा सा बैग ही कैरी करती हूँ, ये एक मैं कैरी करती हूँ। इसमें सिर्फ एक ही कंपार्टमेंट है और एक छोटा सा साइड में है, तो इसमें मेरा हो जाता है। बिकॉज क्योंकि मैं पास में रहती हूँ तो मुझे ज़्यादा चीज़ें ले जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हालांकि मैं कुछ कुछ चीज़ें डेफिनेटली लेके जाती हूँ जो मैं आज आप लोग के साथ शेयर करूँगी। मेरे चैनल पे पहली बार आया है तो हाय, दिस इज़ बिंदिता, आई एम स्टेइंग एट कोलकाता, आई एम फ्रॉम असम बेसिकली, और मैं अकेली रहती हूँ। एंड पहले मैं भाई के साथ रहती थी, अभी मैं फिर से अकेली रहती हूँ। तो या लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एक्चुअली जो लोग मुझे रेगुलर फॉलो करते हैं या फिर जो लोग मेरे चैनल को रेगुलर देखते हैं, दे नो दैट मैं एक जिम रैट आप बोल सकते हो। मुझे जिम जाना बहुत ज़्यादा पसंद है। एक टाइम था जब मैं जिम नहीं जा पाती थी, माइंड में कॉन्फ्लिक्ट रहता था कि मैं जिम जाऊँ या नहीं जाऊँ, ये वो। बट जब से मैंने स्टार्ट किया है फ्रॉम एंड, व्हेन यू स्टार्ट एंजॉयिंग योर वर्कआउट, तो तब आपको ऐसा फील होगा कि यू शुड डू 1 or 2 more reps। या ओके, सो डोंट, लेट्स नॉट वेस्ट द टाइम। सबसे पहली चीज जो मैं जिम में हमेशा अपने बैग में रखती हूँ वो है सैनिटरी पैड्स। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है फॉर गर्ल्स एंड वुमेन आउट देयर। अगर आप लोग जिम में जाते हो, मतलब बिगनर हो, तो आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या आप अपने बैग में कैरी करोगे, तो दिस इज़ अ मस्ट। ये बोलने की ज़रूरत नहीं, ये जिम क्या, ये लड़कियाँ हमेशा अपने नॉर्मल बैग्स में भी रखती है, तो ये एक चीज़ मैं हमेशा अपने साथ कैरी करती हूँ। नेक्स्ट जो चीज़ है वो है ऑफकोर्स मेरा इन्हेलर, बिकॉज आई हैव एस्थमा फ्रॉम माई बर्थ। एंड ये इन्हेलर मैं हमेशा अपने बैग में रखती हूँ, नॉट ओनली इन माई जिम बैग, मेरे जो ऑफिस का बैग है उसमें भी मैं रखती हूँ, क्योंकि पता नहीं कब ज़रूरत पड़ जाए, तो इमरजेंसी पर्पज़ के लिए मैं हमेशा प्रिपेयर रहती हूँ। नेक्स्ट जो चीज़ मैं अपने बैग में रखती हूँ जिम बैग में, वो है दिस वन, रोल ऑन डिओड्रेंट। दिस इज़ अ वेरी मस्ट, क्योंकि जब आप वर्कआउट करते हो, जब आप हैवी लिफ्टिंग करते हो, स्वेटिंग होता है बहुत ज़्यादा, पसीना आता है आपको, तो आई होप आप लोग भी नहीं चाहोगे कि आपके अंडर आर्म्स में से थोड़ा बहुत स्मेल वगैरह करे। तो ये एक्स्ट्रा, मतलब एक चीज़ जो मैं हमेशा अपने बैग में कैरी करती हूँ, ऑफिस बैग में भी कैरी करती हूँ, तो ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग होता है एंड ये बहुत ही माइल्ड है, नेक्स्ट जो मैं चीज़ रखती हूँ ये वो एक छोटकू सा वॉलिनी, इंजुरी या फिर कभी पे, मतलब कहीं पे मसल पुल हो जाए या फिर कुछ भी हो जाए, तो ये बहुत काम की चीज़ होती है। वॉलिनी की जगह आप लोग दूसरे ऑइंटमेंट भी रख सकते हो, हालांकि आपके जिम में ये सारी चीज़ें रहती ही है बाय डिफ़ॉल्ट, बट फिर भी मैं अपने पास रखती हूँ बिकॉज मैं खुद को हमेशा प्रिपेयर करके रखना पसंद करती हूँ। ऑलराइट, तो नेक्स्ट जो चीज़ मैं लेके जाती हूँ वो है सैनिटाइजर, नॉट बिकॉज ऑफ ओनली COVID-19, बिकॉज ऑफ माई क्लिनलीनेस एंड ऑल, क्योंकि वहाँ पे जो वेट्स वगैरह रहती है ना, तो उसमें मतलब यू कैन अंडरस्टैंड, काफ़ी सारे लोग वो एक साथ यूज़ करते हैं, पसीना या फिर मतलब बहुत सारी चीज़ें होती है, तो एक सैनिटाइजर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है आपके हाथों को क्लीन करके रखने के लिए। तो डेफिनेटली एक सैनिटाइजर आप लोग अपने जिम बैग में कैरी करना मत भूलिएगा, नॉट बिकॉज ऑफ COVID-19, बिकॉज ऑफ योर पर्सनल हाइजीन एज वेल। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिम रैट्स या फिर जो जिम जाते हैं वो लोग डेफिनेटली अग्री करेंगे, वो है दिस वन, एक शेकर होता है वो। ये मैं अपने जिम में हमेशा लेके जाती हूँ बिकॉज आफ्टर वर्कआउट आपको प्रोटीन इमिडिएटली चाहिए होता है, कि अगर आप तब ने कहीं कुछ मतलब भूख लग गया है या फिर खाने की जो क्रेविंग्स होती है वो बढ़ जाती है, तो आपको अगर भूख लग गया है तो आप अगर कुछ मीठा या अनहेल्दी चीज़ कुछ खाएंगे ना, तो वो डायरेक्टली आपके मसल्स पे मतलब अफेक्ट करता है। तो इसलिए मतलब मैं हमेशा वो आफ्टर वर्कआउट जिम में बैठ के ये एक मतलब मैं यहाँ पे अंदाजे से अपना लेके जाती हूँ,
तो प्रोटीन पाउडर अगर आप लोग सोच रहे हो कि क्या मैं यूज करती हूँ, तो आप लोग अगर पूछने वाले हो कि क्या मैं यूज करती हूँ, तो मैंने रिसेंटली मतलब खत्म हो गया था मेरा पहला वाला बिग मसल्स का यूज करती थी नाइट्रिक वे प्रोटीन, तो उसके साथ ही ये शेकर फ्री में मिला था। बट अभी मैं रिसेंटली यूज कर रही हूँ ये वाला GNC का है। ये GNC आप लोगों को पता ही होगा, न्यूट्रिशनल ब्रांड है, काफ़ी अच्छा ब्रांड है। तो इसका मैं यहाँ पे 100% वे मैं यूज़ कर रही हूँ। चॉकलेट सुप्रीम है इसका, चॉकलेट सुप्रीम वाला जो फ्लेवर है वो मैं यूज़ करती हूँ, एंड दिस इज़ लाइक 2 kg, और इससे मेरा 1 month तो चल ही जाता है। तो इसका न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ के बारे में अगर हम लोग बात करें, तो यहाँ पे आप लोग देख ही सकते हो काफ़ी अच्छा ही है ये ब्रांड, आप लोग ट्राई करके देख सकते हो। ये सारी चीज़ें आपको एमिनो एसिड प्रोफाइल पर सर्विंग, सो ये सब आप लोग मतलब यहाँ से स्क्रीनशॉट या फिर वीडियो पॉज करके आप लोग देख सकते हो, या फिर आप लोग ये जो पाउडर है आप खाने में मिक्स करके ले सकते हो। द ब्रांड इज़ रियली गुड, अगर आप लोग मतलब थोड़ा कॉस्ट इफेक्टिव ब्रांड अगर आप लोग ढूंढ रहे हो तो ये ज़रूर ट्राई कर सकते हो। ये मैंने लिया है चॉकलेट सुप्रीम फ्लेवर का, एंड दिस टेस्ट यम। मैं ऑल्टरनेट करके यूज़ करती हूँ, जैसे आप लोगों ने देखा मैं बिग मसल्स का नाइट्रिक वे भी यूज़ करती थी, तो मैं ये दोनों के बीच में ही यू नो फ्लक्चुएशन होता रहता है मेरा। तो डेफिनेटली GNC आप लोग ट्राई कर सकते हो, इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप लोग वहां से डायरेक्ट चेकआउट कर सकते हो। तो नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट चीज़ है आफ्टर प्रोटीन शेक एंड ऑल, वो है डेफिनेटली एक सिपर में, मैं ये एक सिपर लेके जाती हूँ, इसमें मैं कॉफ़ी लेके जाती हूँ, क्योंकि जब भी मुझे आई मीन कॉफ़ी इन द सेंस, ऐसा नहीं है कि मैं बिटवीन माई सेट्स आई कंज्यूम कॉफ़ी, लेके जाती हूँ वर्कआउट के पहले मैं फटाक से कॉफ़ी पी लेती हूँ, क्योंकि कैफेन इज़ समथिंग जो आपके बॉडी को इमीडिएटली चार्ज अप करता है, एनर्जाइज करता है, जिससे आपका जो परफॉर्मेंस है वो बेटर रहता है। एंड ऑफ कोर्स एक वाटर बॉटल, इसके बारे में तो अलग से बोल के कोई फ़ायदा नहीं है, पानी हम सबको चाहिए होता है, तो पानी लेके जाती हूँ। बट आप लोग अगर सोच रहे हो कि पानी के साथ आप लोग अगर कुछ मिला के जाओगे, BCAA या फिर ऐसा कुछ, मैं BCAA पर्सनली नहीं लेके जाती, क्योंकि आई पर्सनली फील दैट इज़ अ वेस्ट ऑफ मनी। मैं इसीलिए BCAA से बेटर मैं एक ऐसा छोटा सा एक इलेक्ट्रॉल पैकेट में रखती हूँ, जो कि मैं पानी में मिला के मैं लेके जाती हूँ, एंड दिस इज़ वेरी मच इफेक्टिव देन योर BCAA। तो उसके लिए अलग से इतने पैसे खर्चा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो इलेक्ट्रॉल है दिस इज़ सफिशियंट इनफ। नेक्स्ट जो मैं लेके जाती हूँ, बहुत भूख लग जाता है बीच बीच में, काफ़ी अगर इंटेंस वर्कआउट रहता है तो भूख तो लग ही जाता है, तो मैं ऐसे छोटे छोटे योगा बार्स में खरीद के रखती हूँ, तो ये सारी चीज़ें मैं लेके जाती हूँ। इसमें आपको इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, ये सारी चीज़ें आपको मतलब अमेजोन फ्लिपकार्ट या फिर हेल्थ कार्ट ये सारी जगहों में मिल जाएगा। योगा बार बहुत ही अच्छा होता है, एंड इसका जो न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ है वो भी आप लोग अगर देखोगे उनके वेबसाइट में जाके, तो दिस इज़ वेरी मच हेल्दी। एंड ये इतना फीलिंग होता है कि आप इसको मतलब पूरा तो खा ही नहीं पाओगी एक साथ, तो मैं इसको हाफ करके ही खाती हूँ। डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर्स में आती है, जैसे कि यहाँ पे आपको एप्पल सिनेमन है, जो कि फाइबर एंड प्रोटीन रिच है, 10 ग्राम होल ग्रेन्स आपको मिलेगा। फिर ये एक फ्लेवर है, दिस इज़ फाइबर एंड प्रोटीन रिच आलमंड एंड कोकोनट फ्लेवर दिस इज़, देन ये वाला एक है ब्लूबेरी पाई। तो ये सारी डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर्स है जो मैं अपने बैग में रखती हूँ, कि अगर बहुत ज़्यादा भूख लग जाए तो फटाक से मैं ये एक खा लेती हूँ। जो नेक्स्ट चीज़ है, मैं थोड़ा बहुत अपार्ट फ्रॉम हेल्दी खाने पीने का चीज़ें, थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा चीज़ें जो मैं कैरी करती हूँ वो है ये छोटे छोटे 2 क्लिप्स वगैरह, क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि आई हैव शॉर्ट हेयर, तो ऐसे कई सारे एक्सरसाइज होते हैं जब आपको ऐसे नीचे मतलब ऐसे झुक के आपको करना पड़ता है, तब बाल पूरा सामने की तरफ आ जाता है, तो बहुत प्रॉब्लम होता है, तो मैं ऐसे छोटे छोटे क्लिप्स में रख देती हूँ जो काम में आती है। ऑफकोर्स एक रबर बैंड एक्स्ट्रा मैं कैरी करती हूँ, तो ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि अगर यू नो बाई चांस अगर आपको चाहिए होता है तो ये सारी चीज़ें आपको जिम में किसी और से नहीं मिलने वाली, तो डेफिनेटली ये सारी चीज़ें मैं रखती हूँ।
और एक चीज रखती हूँ, क्योंकि क्या होता है ना, मेरा जो स्किन है वो बहुत ड्राई है, मतलब मेरी जो हाथों का स्किन बोलिए या पैरों का स्किन बोलिए, ये मतलब ड्राई हो जाता है एसी में रहते रहते। तो मैं ये एक छोटू सा मॉइस्चराइजर क्रीम अपने साथ रखती हूँ, क्योंकि हाथ में रब कर लेती हूँ, क्योंकि क्या होता है ना, मतलब तो मैं हाथों में थोड़ा सा रब कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे ना बहुत ज़्यादा वो, मतलब अगर मेरे हाथ अगर ड्राई रहते हैं ना तो मुझे बहुत अनकम्फर्टेबल फील होता है, जिसमें मतलब पता नहीं कुछ अच्छा नहीं लग रहा होता है। तो ये एक छुटकू सा मैं हमेशा अपने मतलब बैग में रखती हूँ, ऑफकोर्स एक कोम्ब में रखती हूँ, क्योंकि जिम में जो हालत होती है उसके बाद अगर आप मुझे पैदल चल के आना पड़ता है, तो उसमें ये थोड़ा बहुत बालों को सेट वेट करके एकदम झकास होके निकलना पड़ता है। तो हाँ, और एक चीज़ मैं एक्स्ट्रा रखती हूँ, एक लिपस्टिक में एक्स्ट्रा रख देती हूँ, क्योंकि मुझे लिपस्टिक का बहुत शौक है, लिपस्टिक एंड वॉचेस मुझे बहुत शौक रहता है, तो एक एक्स्ट्रा करके मैं तो काफ़ी लोगों को पसंद नहीं होता है, चूँकि चश्मा तो हमेशा आप लोगों को पता ही है, मैं मतलब मुझे चश्मा पहनना पड़ता है, तो उसके लिए एक एक्स्ट्रा मैं कपड़ा रखती हूँ इसको अच्छे से पोंछ के, क्योंकि पसीने से ये ना पूरा ब्लर हो जाता है, तो मुझे ये करता है, क्योंकि अभी आप लोग सोचोगे कि मैं लेंस पहन के क्यों नहीं करती, क्योंकि लेंस पहन के करने में बहुत प्रॉब्लम होता है मुझे, मैं नहीं करती। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक बैंडेड हमेशा अपने बैग में मैं रखती हूँ, जिम बैग बोलिए, ऑफिस बैग बोलिए। तो यही सारी चीज़ें मैं जिम में, और एक चीज़ मैं आपको दिखाना भूल ही गई, एक्स्ट्रा हैंकी मैं कैरी करती हूँ ऐसा, जो कि मुझे यू नो पसीना वसीना पोंछने में काम आती है, एंड क्योंकि मैं थोड़ा बहुत हैवी वेट्स उठाती हूँ, तो इसीलिए हाथों को मतलब वेट लिफ्टिंग में सपोर्ट के लिए ऐसी दो मतलब रिस्ट बैंड्स में रखती हूँ। नी कैप भी मैं रखती हूँ, जिस दिन लेग्स वर्कआउट होता है तब मैं नी कैप पहनती हूँ, क्योंकि दीज आर द थिंग्स ना, ये सारी चीज़ें आपके वर्कआउट में इतना आपको मतलब सपोर्ट देती है, एक लिफ्ट देती है, जो आपको मतलब यू नो यू विल फील इट जब आप यूज़ करोगे। पहले मैं सोचती थी अरे ये सारी चीज़ें तो बेकार है, जस्ट वेस्ट ऑफ मनी, इससे क्या ही होगा, बट ट्रस्ट मी, जब से मैंने ये सब सारी चीज़ें यूज़ करना स्टार्ट की है, रिस्ट बैंड बोलिए या फिर नी कैप बोलिए, तो वो सारी चीज़ें ना बहुत ज़्यादा मतलब यू नो आपके वर्कआउट में इफ़ेक्ट होता है। एंड ऑफकोर्स एक अलग मतलब डिफरेंट मतलब एक अलग सा शू पेयर मैं अपना रखती हूँ, क्योंकि मेरे जिम में बाहर का शूज़ आर नॉट अलाउड। तो या यही सारी चीज़ें मैं अपने जिम बैग में रखती हूँ, एंड आई रियली होप कि आज का वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड टिल देन नए वीडियो में आपके लोगों से मुलाकात होगा। बाय।